Hello everyone, welcome to the lecture series on the topic transistor biasing. Today we will see the first type of the biasing method, which is fixed bias or base resistor circuit method. Before that, let's have a quick recap of the previous lectures of this topic. तो इसके पहले हम लोगों ने एम्पलीफायर देखा था. तो एम्पलीफायर का काम है कि किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना. लेकिन अगर ये जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इससे इनपुट सिग्नल का शेप आउटपुट साइड पर चेंज हो जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर. तो अगर शेप चेंज हो रहा है, वही शेप नहीं है जैसा कि इनपुट साइड पर है, तो इस प्रकार का जो एम्पलीफिकेशन है, ये अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाता है. लेकिन अगर ऐसा एम्पलीफिकेशन हो कि शेप में कोई चेंजेस ना हो, इट मीन्स कोई डिस्टॉर्शन ना हो, उसको कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन. फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए इसके बाद हमने जो कंडीशंस देखी थी कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें पहली कंडीशन थी कि एक मिनिमम प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होनी चाहिए. इसी के साथ साथ दो कंडीशंस और देखी थी कि एक मिनिमम प्रॉपर VVE बेस एमिटर वोल्टेज मेंटेन होना चाहिए और आउटपुट साइड पर VCE मिनिमम प्रॉपर एक मेंटेन होना चाहिए. तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन ये कह रहे थे कि इनपुट साइड या इनपुट जंक्शन, पहला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो, और ये थर्ड जो कंडीशन है ये इंश्योर करता है कि जो आउटपुट साइड का जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो. तो अगर इनपुट साइड का जंक्शन फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड का जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तभी आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है या फिर एक्टिव रीजन में बिहेव करता है. इसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की डीसी लोड लाइन देखी थी. तो इसके लिए हमने एक ऐसा सर्किट कंसिडर किया हुआ था, और उसमें देखा था हमने कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, और ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की हुई थी, जिसके दो पॉइंट्स हमने IC इक्वल टू जीरो और VC इक्वल टू जीरो के निकाला हुआ था. और इसी के साथ साथ हमने ऑपरेटिंग पॉइंट भी देखा था. तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट ये होता है कि जो हमारा जब कोई सर्किट है, जैसे इस सर्किट में अगर हमने इनपुट साइड पर कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है एम्पलीफिकेशन के लिए, सिर्फ डीसी कंडीशन ही है, तो उस कंडीशन में आउटपुट साइड पर हमें कितनी करंट मिल रही IC और कितनी VC है, वही हमारे IC और VC की वैल्यूज ही क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग पॉइंट. तो इसके लिए हमने ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट दिखाया हुआ है, जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये डीसी लोड लाइन जो हमने ड्रा की हुई है और एक निश्चित आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसी एक निश्चित बेस करंट के लिए, वो जिस पॉइंट पर उनका इंटरसेक्शन होता है, वही पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट या क्विसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट कहलाता है. और इसके साथ हमने देखा था कि ये क्विसेंट पॉइंट इस पूरे एक्टिव रीजन में कहीं भी मूव कर सकता है बाय चेंजिंग VCC, RB, इन सब पैरामीटर्स को चेंज करके हम इस क्यू पॉइंट को या क्वेश्चन पॉइंट को हम मूव करा सकते थे. तो किस लोकेशन पर रखना चाहिए क्वेश्चन पॉइंट को, जहां से कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले, ये हमने देखा था कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है. और ये बी जो पॉइंट है, इसमें ये बी पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन इस बी पॉइंट पर मिल सकता है, अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट इस पॉइंट पर चुने या इस रीजन में चुने. इसके बाद हमने स्टेबलाइजेशन देखा था. तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशंस इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज नोन एज स्टेबलाइजेशन. तो हमने देखा था कि जो आउटपुट, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, उसमें जो कलेक्टर करंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 IC होता है, और ये ICO टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से IC चेंज होता है. इसी के साथ साथ इंडिविजुअल वेरिएशंस की वजह से भी कलेक्टर करंट चेंज होती है, क्योंकि अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, या एक ही तरीके का ट्रांजिस्टर हो अगर, और लेकिन दूसरा ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, तो उसमें बीटा चेंज हो जाता है या फिर VVE चेंज हो जाता है. और हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बीटा चेंज हो जाता है, और VVE भी उसी तरीके से चेंज होता है. कितना चेंज होता है, ये हमने भी देखा था. इसके साथ थर्मल रन अवे भी हमने देखा था कि थर्मल रन अवे में होता क्या है, कि इसमें अगर कोई अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर है, तो वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसमें करंट, कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो बर्न आउट हो जाता है. और इसके बाद हमने स्टेबिलिटी फैक्टर देखा था. स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट, जबकि बी और बीटा और IB ये कांस्टेंट हो. और इसके लिए हमने डिराइव किया था S की वैल्यू. तो S की वैल्यू थी बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DC. और हमने ये देखा था कि ये जो S की वैल्यू जितनी मिनिमम हो, उतनी ही जो स्टेबलाइज ट्रांजिस्टर होगा आपका या एम्पलीफिकेशन अच्छा होगा. तो ये कब होगा? जब आइडियली S की वैल्यू 1 हो या लेस देन 25 हो प्रैक्टिकली. तो ये था हमारा पिछले सेक्शन में पढ़ा हुआ. तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे ट्रांजिस्टर बायसिंग. तो ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है?
ट्रांजिस्टर बायसिंग बेसिकली कुछ नहीं, हम जो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं तो एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए इतने हम उसको फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए उसकी बायसिंग करते हैं। बायसिंग मतलब डीसी से कनेक्ट करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि बैटरी से कनेक्ट करने के अलावा भी हम दूसरी सर्किटरी यूज कर सकते हैं जो कि उसकी बायसिंग करता है। लेकिन ये जो बायसिंग सर्किट हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास बायसिंग के दो तरीके थे, एक हमने देखा था कि सिर्फ बैटरी कनेक्ट करके भी कर सकते थे, और एक हमने देखा था कि कुछ सर्किट को भी कनेक्ट कर दें तो वो बायसिंग सर्किट की तरह बिहेव करती हैं, वो बायस कर देती हैं ट्रांजिस्टर को जिस रीजन में हम ऑपरेट करना चाहते हैं, अलग अलग बायसिंग सर्किट जो कि हमें आगे देखना है। तो बायसिंग सर्किट का यूज किस लिए? फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव करने के लिए, और इस सर्किट को हम ट्रांजिस्टर के साथ एसोसिएट करते हैं या उसमें लगाते हैं। अब ये बायसिंग सर्किट का बेसिकली काम क्या होता है? तो इसका सीधा सा काम है कि हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले। कब मिलेगा फेथफुल एम्पलीफिकेशन? जब हमें प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलेगा, ये हमने देखा हुआ है। इसके साथ साथ हमने प्रॉपर वीवीई और वीसीई की वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए हर एक समय पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के बाद, ये भी कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए बायसिंग सर्किट के द्वारा। और लास्ट है जो हमने देखा था कि स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं चेंज होना चाहिए, या फिर बीटा और वीवीई के चेंज होने पर भी ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारी बायसिंग सर्किट की ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरा होना चाहिए। अगर ये पूरा होगा तो वो बायसिंग सर्किट अच्छी होती है, उसको हम यूज कर सकते हैं अपने एम्पलीफायर के मैन्युफैक्चरिंग में या एम्पलीफायर के सर्किट बनाने में। तो कौन कौन सी बायसिंग सर्किट्स यूज होती हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग? तो इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर बायसिंग से मेथड हैं। पहला है फिक्स्ड बायस, या इसे बेस रजिस्टर मेथड भी कहते हैं। सेकंड वन है एमिटर बायस मेथड। थर्ड वन इज बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक, एंड लास्ट वन इज वोल्टेज डिवाइडर बायस। ये चारों हमें बायसिंग मेथड्स पढ़ने हैं, और आज के इस लेक्चर में हम पहला मेथड पढ़ेंगे, फिक्स्ड बायस और बेस रजिस्टर बायस मेथड। तो यहाँ पर ये हमने इसका एक इस साइड पर आप देखिए, तो ये है बेस रजिस्टर बायस मेथड या फिर फिक्स्ड बायस मेथड। इसमें हमने ये देखिए, ये एक सिंपल सा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक बैटरी का यूज किया हुआ है, जबकि हम जो पढ़ रहे थे पहले तो उसमें वीबीबी भी यूज कर रहे थे इनपुट सेट पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक बैटरी का, लेकिन इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सर्किटरी भी हमने लगाई हुई है जिससे कि बायसिंग हो रही है। तो बायसिंग के लिए हमने सिंगल हमने सिर्फ एक बेस रेजिस्टेंस आरबी का यूज किया हुआ है। तो ये जो बेस रेजिस्टेंस आरबी हम यूज कर रहे हैं, यही बायसिंग सर्किट है बेसिकली। तो ये जो बेस रेजिस्टेंस आरबी यूज कर रहे हैं, ये हम ट्रांजिस्टर के बेस और ये जो सप्लाई है उस सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच यूज कर रहे हैं, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये वीसी सप्लाई निगेटिव होती है इस टाइम। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आरबी जो लगाते हैं, ये बेस रेजिस्टेंस एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं बायसिंग के लिए, इसको हम इस ट्रांजिस्टर के बेस और सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कलेक्टर साइड पर हमने रेजिस्टेंस लगाया जहाँ पर हम आउटपुट अचीव करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो कैपेसिटेंस लगाए हैं। तो ये कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है कि हम एम्पलीफिकेशन जब कराते हैं तो कुछ इनपुट सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल देने के लिए ये इनपुट सिग्नल यहाँ हम देंगे। ये इनपुट टर्मिनल है जिसे हम एक कैपेसिटर C1 के थ्रू पास कर रहे हैं। C1 का काम क्या होता है? कैपेसिटर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो डीसी मीन्स जीरो फ्रिक्वेंसी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो सीधे सीधे हम कहें तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो यहाँ हमारा ये जो एसी सिग्नल है ये जाएगा, तो ये सिर्फ डीसी को ब्लॉक करेगा और बाकी एसी को यहाँ से पास करेगा। ये इनपुट सिग्नल हमारे यहाँ से जाएगा, बाकी यहाँ पर ये हमारी सर्किटरी है, और ये जो आउटपुट हमारा मिल रहा है इसको आउटपुट साइड पर हमें कैपेसिटर से लिए हुए हैं। और ये कैपेसिटर सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ एसी को ही पास करेगा और डीसी को नहीं जाने देगा। तो हमारा एसी यहाँ इनपुट में जा रहा है और आउटपुट में भी हमें सिर्फ एसी मिल रहा है जो एम्पलीफाइड वर्जन। तो ये हमें अभी खैर इनपुट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एसी पार्ट को हटा करके सिर्फ डीसी पार्ट्स को कंसीडर करते हैं, जिसके लिए आप ये बगल में डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इसमें देख लेते हैं। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में हम सीधे सीधे कैपेसिटर्स को ओपन कर देते हैं। तो कैपेसिटर हट गया है, यहाँ पर दोनों साइड कैपेसिटर हट गए हैं। यहाँ पर सीधे एक बेस रेजिस्टेंस आरबी है, कलेक्टर रेजिस्टेंस यहाँ पर कलेक्टर साइड पर एक आरसी है, वीसीसी सप्लाई है, और यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ये वीबीई, और यहाँ पर पोटेंशियल वीसीई है।
तो अभी के लिए हम सिर्फ डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की ही एनालिसिस करेंगे, इसलिए हम एसी इक्विवेलेंट इसका जो ये एसी वाला पोर्शन था इसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे इसकी एनालिसिस में। तो यहाँ पर इस आरबी का काम क्या है, बेस रजिस्टर का, हाई वैल्यू का बेस रजिस्टर जो हम यूज कर रहे हैं, इस आरबी का काम ये है कि ये हमारा वीसीसी के थ्रू बेस में एक मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल बेस करंट की पहुंचाता है बेस करंट में। और हमारे रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारे रिक्वायरमेंट जैसा कि अभी हमने देखा था पीछे कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलनी चाहिए आउटपुट साइड पर। तो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट अगर जो हमें चाहिए उसके लिए बेस करंट भी तो चाहिए पहले, जब इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो जो हमारा सिलेक्शन है आईबी का, वो आईबी अगर सिलेक्ट हो जाएगा, ये हमारा जो मिनिमम एक इनपुट आईबी अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि आईबी आईसी क्या होता है, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी होता है, तो अगर हम आईबी को सेट कर दें तो उसी अकॉर्डिंग बीटा इंटू आईबी हमारा कितना मिलेगा, ये कलेक्टर करंट मिलेगा। तो यहाँ पर बेस रजिस्टर जो हमने आरबी कनेक्ट किया है इसका काम ही यही है कि ये प्रॉपर जीरो सिग्नल बेस करंट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमें प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिले। इसके चलिए हम एनालिसिस करते हैं, सर्किट एनालिसिस। तो हम मानते हैं कि हमें जो आउटपुट साइड पर एक चाहिए जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू, वो आईसी है, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमें कुछ एक मिनिमम कलेक्टर करंट चाहिए था। अगर हम मिनिमम से कम दे रहे थे तो हमारा इनपुट साइड का जो सर्किट जो वेव फॉर्म थी उसका कुछ पोर्शन कट जा रहा था। लेकिन अगर ये आईसी की वैल्यू एक निश्चित एक इतनी रहती है कितने लेवल पर कि जब इनपुट साइड का वेव फॉर्म का नेगेटिव साइड आता है तो वो उसको मेंटेन कर लेता है, उसका कोई भी वेव फॉर्म का कोई भी पार्ट क्लिप नहीं होता है और हमेशा जो है ट्रांजिस्टर इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड रिवर्स बायस रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि मिनिमम एक आईसी हमें मिलना चाहिए आउटपुट साइड पर विदाउट एनी बेस विदाउट एनी इनपुट। तो हम यहाँ पर इनपुट की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो जब हमने इनपुट सिग्नल यहाँ पर हटा दिया है तो आउटपुट साइड पर हमने माना कि आईसी है वो कलेक्टर करंट जो हमें चाहिए। तो अगर हमें कलेक्टर करंट आईसी चाहिए तो आईबी कितना चाहिए, तो आईबी चाहिए इक्वल टू आईसी अपॉन बीटा, क्योंकि बीटा आप कोई ट्रांजिस्टर अगर हम यूज करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर बीटा की वैल्यू होगी, तो उसको हम उसके जो डेटा शीट आती है उससे हम बीटा की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हमें जो रिक्वायर्ड आईसी चाहिए उसके लिए अब हमें आईबी कितना चाहिए वो हमें पता चल सकता है। तो आईबी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, वो होगी आईसी अपॉन बीटा। अब हम क्या करें कि यहाँ पर ये देखिए ये एक क्लोज सर्किट बन रहा है, ये वीसीसी प्लस है, फिर यहाँ ए के थ्रू हम आरबी में, फिर यहाँ बी और यहाँ फिर एन, ये समझ लीजिए ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड होते हुए ये एक लूप बन रहा है, फिर ये वीसीसी। तो हम अगर कंसीडर करें ये क्लोज सर्किट ए बी ई एन और फिर से ए, तो यहाँ पर हम केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर केवीएल लगाने पर ये प्लस वीसीसी और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज आगे कोई है, हाँ ये है, ये इसका जो ये प्लस होगा ये माइनस होगा वीवी का, तो यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये प्लस है, इट मीन्स ये दोनों अपोजिट उसमें है, तो ये वीसीसी माइनस वीवी पहले हो जाएगा ये वोल्टेज वाला टर्म, और करंट की डायरेक्शन ये है तो आईबी इंटू आरबी, तो वीसीसी माइनस वीबी इक्वल टू आईबी इंटू आरबी, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल लॉ से यहाँ पर इस क्लोज सर्किट एबीईएन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आरबी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आईबी से इधर डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगी वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन आईबी। अब ये वीबीई जो है बेस ये हमारा यहाँ पर जो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का हो तो ये वीबीई की वैल्यू 0.7 होती है और ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है। तो अगर हम माने कि वीसीसी ये जो हमारा इनपुट सप्लाई है ये वीवीई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, वीसीसी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वीवीई, हो सकता है ये 20 हो 25 वोल्ट हो वीसीसी और ये 0.3 वोल्ट हो या 0.7 वोल्ट, तो उसको वीवीई को हम निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वीवीई बहुत छोटा होता है। तो आरबी को हम लिख सकते हैं वीसीसी अपॉन आईबी, क्यों, क्योंकि वीवीई इज़ वेरी वेरी लेस देन वीसीसी। तो यहाँ पर जो बेस रजिस्टर हमें जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलेगी, वीसीसी अपॉन आईबी। तो अब फिर से वही हम देखें, हमें एक पर्टिकुलर आईसी की वैल्यू चाहिए थी, तो आईसी के लिए हमें आईबी की कितनी वैल्यू चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। अब इस आईबी की वैल्यू पता चल गई है तो हमारा बेस रेजिस्टेंस कितना चाहिए उसके लिए ये कैसे पता चलेगा, ये इस इक्वेशन से पता चलेगा। तो ये आरबी इक्वल टू वीसीसी अपॉन आईबी से अब हमें पता चल जाएगा कितने वैल्यू का बेस रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करें जिससे कि हमारा वो रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट यहां पर मिल सकता है।
तो ये थे इसके एनालिसिस। इसके साथ आउटपुट साइड पर अगर हम देखें तो इसके आउटपुट साइड पर ये VCC है और यहाँ पर ये मान लीजिए ये VCE ये है, तो VCC और ये VCE ये दोनों अपोजिट में है, तो VCC माइनस VCE विल बी इक्वल टू ICRC। यहाँ पर KVL लगाएंगे, इसको हमने पहले भी देखा है, तो कलेक्टर एम्प्टन लूप पर हम लगाते हैं KVL, तो इससे हमें मिलेगा VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC और ये हमने पहले भी देखा हुआ है पिछले उसमें। अब इसके बाद हम इसका स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं, तो पहले हमने स्टेबिलिटी फैक्टर को डिराइव किया हुआ है, ये आया था S इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो IB की वैल्यू मिली थी, ये IB की वैल्यू फिक्स्ड बायस मेथड में ये IC पर डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि IC IB पर डिपेंडेंट है, ना कि IB IC पर। तो IB की वैल्यू IC पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए DIB अपॉन DIC मीन्स IC जब चेंज होगा तो IB कितना चेंज होगा, तो कुछ नहीं चेंज होगा, इट मीन DIB अपॉन DIC को हम जीरो रख सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बीटा प्लस 1, और बीटा की वैल्यू लगभग 50 से 400 के बीच होती है, तो मान लीजिए बीटा की वैल्यू 100 है तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा 101। तो स्टेबिलिटी फैक्टर ये बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर 25 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही है, इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है इस टाइप के बायसिंग मेथड में। तो हमारे जो ये था हमारी एनालिसिस इसकी, अब हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस है कि बायसिंग सर्किट इसकी बहुत सिंपल है, हम सिंपल एक रेजिस्टेंस यूज करते थे IB, और उसका जो कैलकुलेशन है वो भी बड़ा सिंपल है, VCC अपॉन IB बस कर दीजिए तो RB हो जाता है। तो सिंपल साइज का एडवांटेज यही है कि एक सिंगल आपको रेजिस्टेंस चाहिए हाई वैल्यू का, और इसके साथ साथ इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज पहले हमने देखा था अभी कि इसका स्टेबलाइजेशन बहुत पुअर है, और दूसरी चीज इसमें थर्मल रनवे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, थर्मल रनवे मतलब बर्नआउट होने के चांसेस। तो इसी वजह से चूंकि इसमें ये सारी एडवांटेजेस हैं, इसलिए ये जो है मेथड, कौन सा मेथड, फिक्स्ड बायस मेथड या फिर बेस रजिस्टर मेथड, ये मेथड बहुत ही कम यूज होता है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसिडर करिए ये सर्किट, और ये सर्किट में ये जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मानिए, और इसमें मान लीजिए कि ये बीटा इसका 100 है। तो इसमें हमें डिटरमाइन करना है कि इसकी DC लोड लाइन पहले तो ड्रॉ करनी है, और इसके बाद हमें इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो क्या है उसको पता करना है, और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे इस सर्किट में एक NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन में जुड़ा है, और इसको बेस रजिस्टर मेथड से हमने बायस किया हुआ है। VCC यहाँ पर 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर दिया क्या क्या चीज़ें हम देखें, तो VCC 6 वोल्ट दिया है, RB बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू 530 किलो ओम दी है, और कलेक्टर साइड पर जो रेजिस्टेंस RC इक्वल टू 2 किलो ओम है। तो सबसे पहले हम DC लोड लाइन ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, तो DC लोड लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम आउटपुट साइड पर यहाँ कलेक्टर इनपुट साइड पर लूप KVL लगाते हैं। तो KVL पे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है अभी भी, तो ये सिंपल सा है VCC माइनस VCE, यहाँ पर VCC माइनस VCE इक्वल टू ICRC, तो यहाँ से आ जाएगा VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। अब यहाँ पर हमें VCC की वैल्यू पता है, लेकिन हमें DC लोड लाइन ड्रॉ करना है। तो DC लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक केस कंसिडर करते हैं जब IC की वैल्यू जीरो हो, तो IC की वैल्यू जीरो होगी तो उस समय VCE कितना आएगा, VCE आएगा VCC के बराबर, और VCC कितना है 6 वोल्ट। तो पहली कंडीशन आ गई VCE की 6 वोल्ट। इसके बाद दूसरा केस कंसिडर करते हैं जब VCE जीरो हो, तो VCE जीरो हो उस समय IC की वैल्यू कितनी आएगी, VCC अपॉन RC के बराबर आएगी। VCC कितना है 6 वोल्ट हमने निकाला है, RC 2 किलो ओम दिया है, तो यहाँ से IC की वैल्यू आएगी 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर आपको DC लोड लाइन के लिए आपको दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स मिल गए हैं, तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे आउटपुट करेक्टरिस्टिक में, ये VCE IC के बीच कर्व है, और यहाँ पर हमने 6 वोल्ट VCC और VCC अपॉन RC 3 मिली एम्पियर, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, यही है इसकी DC लोड लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद हमें ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट जीरो इनपुट कंडीशन में IC और VCE की वैल्यू। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का VBE कितना होगा, इसका VBE होगा 0.7, और इसके साथ साथ अभी हमने एनालिसिस की थी फिक्स बायस मेथड की, जिसमें IB की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, वो आई थी VCC माइनस VBE अपॉन RB।
अब हमें VCC की वैल्यू पता है 6, VVE की 0.7 चूंकि सिलिकॉन है, और RB की वैल्यू 530 किलो ओम क्वेश्चन में दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो IB की वैल्यू आ जाएगी 10 माइक्रो एम्पियर। अब IB की वैल्यू आ गई है तो हमें IB की नहीं IC की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट IC और VC की वैल्यू होती है। तो IC की वैल्यू क्या होती है? IC होता है सिंगल इंटू IC होता है बीटा इंटू IB। तो बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? बीटा की वैल्यू 100 दी हुई है क्वेश्चन में। तो 100 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर, इसको मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। ये आ गई हमारी IC। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू आ गई है। अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए। दूसरी वैल्यू क्या है? VCE। तो VCE क्या होता है? VCC माइनस ICRC। तो VCC की वैल्यू आपको दी हुई है 6 वोल्ट, माइनस IC की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 1 मिली एम्पियर, RC की वैल्यू 2 किलो एम्पियर, 2 किलो ओम दी हुई है। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 वोल्ट VC की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से IC 1 मिली एम्पियर और VC 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट 1 मिली एम्पियर ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट। इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं, DC लोड लाइन जहाँ हमने ड्रा किया था वहीं पर 4 वोल्ट ये VC और ये IC 1 मिली एम्पियर, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट। अब इसके बाद हमें स्टेबिलिटी फैक्टर भी निकालना है। स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है फिक्स्ड बायस मेथड के लिए? ये होता है बीटा प्लस 1। बीटा की वैल्यू 100 है और बीटा प्लस 1 ही हो जाएगा 101। तो ये था एक क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम एक असाइनमेंट आपके लिए दे रहे हैं। असाइनमेंट में हमें एक आपको बेस रजिस्टर बायस सर्किट ड्रा करना है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन या एम्पलीफायर के लिए, और जिसके लिए ऑपरेटिंग पॉइंट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग पॉइंट पर VCE की वैल्यू दी है, IC की वैल्यू दी हुई है, और आपको VCC की वैल्यू भी यहाँ 15 वोल्ट सप्लाई जो है फिक्स्ड सप्लाई वो भी दी हुई है। और ये एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा की वैल्यू 100 ओम दी हुई है, और बेस एमिटर वोल्टेज ऑफ VB इक्वल टू 0.6 वोल्ट लेने के लिए बोला है। सिलिकॉन के लिए वैसे 0.7 होता है, 0.6 बोला है तो आप इसको लीजिए। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है लोड रेजिस्टेंस जो यूज होगा। तो जो लोड रेजिस्टेंस यूज होगा और जो बेस रजिस्टर है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल इसको आपको ये असाइनमेंट है। तो यहाँ पर हमने एक हिंट आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस रजिस्टर बायस मेथड के लिए RB आप कनेक्ट करते हैं और IC, तो RB और RC ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा RC की वैल्यू आएगी लगभग 3.5 किलो ओम और RB की वैल्यू आएगी 720 किलो ओम। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और आपके लिए दूसरा असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट ये है कि आपको IC और VCE की वैल्यू निकालनी है और आपको बेस एमिटर वोल्टेज 0 लेना है, इसमें VB आपको 0 रखना है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको 50 दी हुई है इस सर्किट के लिए। तो यहाँ पर VCC एक जगह पर प्लस 9 वोल्ट आप आउटपुट साइड पर जब कंसिडर करेंगे, और इनपुट साइड पर जब कंसिडर करेंगे तो प्लस 2 वोल्ट। तो इसके लिए आपको निकालना है। इसके बाद दूसरा भी आपको क्वेश्चन इसी में है कि अगर RB की वैल्यू चेंज कर दें, RB की वैल्यू यहाँ जैसे 100 किलो ओम है 50 किलो ओम कर देंगे, तब नया ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब नया IC और VCE की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो दो बार IC और VCE की वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो जो रिजल्ट आएंगे आप लोग, एक में आएगा 7 वोल्ट IC की वैल्यू, सॉरी VCE की वैल्यू, और 1 वोल्ट 1 मिली एम्पियर IC की वैल्यू, और सेकंड वाले में जब हम इसको चेंज करेंगे RB को तब 5 वोल्ट और 2 मिली एम्पियर आएगा ऑपरेटिंग पॉइंट्स। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को प्रिपरेशन के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट थ्योरी बुक रॉबर्ट बर्स्टेड की और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक VK मेहता की रेफर की थी। इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, और आप लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और कोरोना वायरस से बच के रहें। थैंक यू।